ये जी हम पहुंच गए हैं जी जहाँ पता होना था हमारे दोस्त की शॉप है ये अल्लाह तवक्कल नान शॉप। ये राजा यूनुस साहब भी घूम रहे हैं इधर आए तो फोन आपको दिखाते हैं। राय साहब इधर आए ना किधर जा रहे हैं? ये दुकान है देखें कार है बच्चा बिरयानी कार है ये जी शॉप आपको दिखाते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे अल्लाह कामयाब करे। आप बताएं ना शानी साहब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? पानी है वो जी है मगज फ्राई है शाही कबाब मिलेगी आपको चने कोफ्ते हैं पकौड़े समोसे चना चाट हो गया ठीक है आलू टिक्की रोल सब्जी जुनेद भाई ये जी ये शॉप है जी इस साइड पे अभी अच्छा आ रहा है माशाल्लाह उधर रोशनी साइड पे आ रही है ये सामने है ये हमारे भाई ठीक है तो इन्होंने सेटअप ने साथ उनका तंदूर है तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी लेके हैं बहुत प्यारे भाई हमारे अल्लाह तो कल इनकी शॉप का नाम है तो अल्लाह है कामयाबी अता करे मजीद अपना बिजनेस बढ़ाने की जनाब सोच रहे हैं ये तो दुआ सब लोग करें ये अपना बिजनेस जो है थोड़ा सा और इंक्रीज करें ये सोच रहे हैं और भी काफ़ी बिरयानी ये जी ये अभी खाएंगे हम बिरयानी क्योंकि अजानें भी हो रही हैं तो उसके बाद नमाज भी पढ़नी है देखे ना आज नवा सूट पाया हुआ है ना नहीं भाई कटिंग कटिंग भी की हुई है नया सूट है कटिंग की हुई है तो इंशाल्लाह अभी बिरयानी खा लें फिर आपसे कटते हैं बात ये काम नहीं किया ये तूने सफाई भी नहीं मारा था। ना, ना, अभी खाया क्या है यार प्लेट भी खाई है खत्म ही हो गया बिरयानी हम लेट हो गए बिरयानी बहुत मजे और दोस्तों पास ये भी हम खा पी चुके हैं सफाई वगैरह अपने आगे से ये तुमने खाई है ये आपने खाई है जनाब काफी प्यारी डेकोरेशन है माशाल्लाह सीलिंग चेक करें भाई ये भाई खुद बैठे हुए कॉलें आ रही हैं भाई को मुबारकबाद दे रही है वहाँ भाई ये बाहर का व्यू चेक कर सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी प्यारा सेटअप बना हुआ है काफ़ी रौनक लगी हुई है काफ़ी बिजी रोड है ठीक है हमारी तो काफ़ी बिजी रोड है बहुत ज़्यादा यानी कि तो अल्लाह ताला से दुआ है भाई को अल्लाह पाक कामयाब करे। ये जी शॉप है ये देख सकते हैं आप अभी थोड़ी देर पहले इसका हुआ है था तो इन भाइयों ने कुछ ज़्यादा ही बिरयानी खाई है देखते हैं किस से लगता है ना इन भाई की है ये इंजीनियर साहब की शॉप है तब आप इन्हें कामयाब करें ये आप खाते हैं देखते हैं इसका पेट निकल आया है खा खा के ये है जी तंदूर ये भी जुनेद भाई का तंदूर है माशाल्लाह काफी वसी करो बाहर का ने काफी माशाल्लाह वो मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है मिठाई का डब्बा माशाल्लाह काफी प्यारी सफाई है देखें कोई मक्खी नजर आ रही है ये तीली पड़ी हुई है ये मिठाई मदन भाई चेक करो ये मेरा फेवरेट रसगुल्ला भी बहुत तुम थोड़े खाओ मैं सॉरी गाइस मैं डाइट पे हूँ लेकिन डाइट देख आपसे डाइट नजर आ रही है ये देख मुझसे रहा नहीं गया मैं खाने शुरू क्या मजे किया आपने खानी है भाई मैंने बहुत खाई अच्छा बहुत खाई है बहुत अल्लाह पाक करम करे देखे आप बोरियों पे बोरियां पड़ी हुई हैं भाई को भी प्यार हैं तो फिर कस्टमर तो होते ही है ये सामने देख रहे हैं आप व्यू देख रहे हैं ये जेलम का कैसराबाद चौक है उसके साथ ही शॉप है ये आए हैं जी ये आए हैं जी राय साहब ये राय साहब आए हैं जी ये देख ये मुरीद है मोने जी मुरीद नहीं है ये खुद बड़े बड़े पीर हैं बस कर बस कर नहीं रहे दे नहीं रहे बस कर मुका दे तू राय साहब रोटियां ला लगी नहीं नहीं है बहुत से लोगों ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि राजा साहब को ले के आए यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं ठीक है तो अभी हम यहाँ से निकले हैं अभी घर जाना है वहाँ से दूध की बोतलें उठानी है वो दूसरे घर पे दे के आनी है मामू के घर ठीक है तो उसके बाद टाउन जाना है हमने वहाँ से लैपटॉप की बैटरी का ऑर्डर दे के आना है देन वापसी इंशाल्लाह
उसके बाद वापस आया तो उसके बाद व्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी हमने सब कुछ करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको साथ साथ आते हैं। ये दोस्तों हम पहुंच दूर तो ले आए जनाब, बस बातों बातों में निकले और कुछ चीज़ें उठानी थी वो भी भूल गए, जो हम सोच रहे वो भूल रहे हैं। लेकिन दूध की बोतल दिखाओ जी, कितने लीटर दूध है ये देखें। और दूध क्या दिखाना है दोस्तों? अच्छा। ये हम घर दिखाते हैं जो मामू जान का बाग है, ये देखें जी। बाकी इसका भी बन रहा है जी, मामू जान का ना घर बन रहा है, लोकेशन है मुजादाबाद। ये पहले बना था तो उसकी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवा के अभी ये यूके से डिज़ाइन आया सारा। बिल्कुल जी, ये हाँ जी देखें इनके मामू, इनकी प्यारे मामू है, प्यारे मामू जान। हाँ जान तो लगा ही नहीं है इनकी मामू जान रही है। बाकी अब इंशाल्लाह उम्मीद है कल ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक दो काम और भी करने हैं हमने, तो उसके बाद इंशाल्लाह कल दोबारा आएंगे इधर, तो वो चीज़ें देंगे फिर आपको दिखाएंगे। मैं लेकिन अंदर ना अंधेरा बहुत है तो इस वजह से ना आपको दिखा नहीं सकता मैं। अंधेरा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने पहनी ग्लासेस, तो अंधेरा लग रहा था, लेकिन ठीक है देखे ना सारा ठीक है। मैं समझा कि अंधेरा हुआ लेकिन ग्लासेस की वजह से ना लग रहा था मुझे अंधेरा हुआ, तो ठीक है ग्लासेस तो फिर यहाँ पहन, ये तो स्टाइल हुआ ना आजकल का। तो अभी वेट करते हैं शानी आ ले, तो फिर ही जाना है अभी बाज़ार भी जाना है, एक दो चीज़ें वहाँ से भी लेनी है, ऑर्डर करना है कुछ। तो लैपटॉप ख़राब हुआ था, उसकी बैटरी का मसला था, तो वो बैटरी अभी लेनी है। फाइनली निकल ही आया शानी, ये 5 मिनट का बोल के गया था और आधा घंटा हो गया बिठाया हुआ इसने मुझे, ये निकल आया। ये देखें दोस्तों मैं आ गया हूँ, ये एक और काम आ गया, ये मोबाइल है ठीक है, तो इसका जनाब प्रोटेक्टर कवर वगैरह लेके आने बाजार से, तो इनफिनिक्स है जी, बाजार टाउन जा रहे हैं बस वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी। चलें जी आप चलते हैं जी, आज चलें बाजार भी जाना है। मौसम का दिया मेरी नज़र उतारे ठीक है, तो 50 रुपये है जी, जी हम पहुँच आए हैं कंप्यूटर वाली दुकान पर, शॉप पे पहुँच जाए हैं लैपटॉप की बैटरी के ऑर्डर के लिए, तो ये भाई जान ले के नहीं आए बैटरी का, ना इनके पास कोई पिक्चर है, ये पिक्चर मिली, हाँ पिक्चर मिल गई, बड़ा काम किया जी। ये देखिए पहुँच जाए हैं अभी भाई से पूछेंगे क्या इसका है रेट वगैरह। निकल आए हैं तो वो कहते हैं लैपटॉप लेके आएंगे तो तब भी होगा सारा निज़ाम, तो सिर्फ तस्वीर पे नहीं हमने मॉडल देखना है, तो रोशान को पता ही नहीं है कि साथ लैपटॉप लेके आना या कुछ, तो अभी हम आगे चलते हैं मोबाइल एक्सेसरीज लेनी है, कवर वगैरह लेना है तो वो लेते हैं फिर। ये लो जी दोस्तों हम आ गए मोबाइल की शॉप पे, देखें अभी ये कवर लगवा, ये भाई पिंडी वाले हैं सीरियस जब हो काम सीरियस मरीज को, डांट भी आ गए, डांट आ गए कवर पड़े हैं। ये कवर ले लिया अभी, इन्हें जुर्माना देंगे, लगा रहने दे जी तार में कवर लगा रहने दे दोस्तों। अभी ले लिया कवर वगैरह सारा कुछ हो गया, तो अभी हम चलते हैं घर, घर पहुंच के आपसे फिर मजीद बातें करते हैं। अच्छा मैं ना सलून पे आया हूँ ठीक है, तो मैं बस ये टिन करवाने आया था तो मौसम को पता नहीं है इस बात का ठीक है, तो उसको सरप्राइज़ देंगे, कोशिश यही उसको पहले पता ना चले। वो कहता क्या करना, मैं कटिंग करवाने हैं लेकिन असल में मेरा इरादा बदल गया बाल, तो काफ़ी तंग आ रहे हैं, गर्मी भी है, तो मैंने सोचा कि टिन करवा रहा हूँ, तो मौसम को सरप्राइज़ देते हैं अभी सामने बैठे हुए, उनको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों ये बस कपड़ा डाल लिया है, तो मौसम भाई वो साइड पे इनको बुलाते हैं, मौसम बा इधर आओ ना, बात सुनो ना मेरी टिन कर दो, टिन तुमने क्या कर क्या कुर्ता नंबरा कर क्या है।
ये भाई ने कटिंग की है इसकी, ये देखें भाई। अपना नाम बताएं जी। भाई मेरा नाम मोहम्मद असीब है माशाल्लाह, और मैं बन्नी से रहने वाला हूँ। ये दुबई भी रह के आए हैं, इन्होंने दुबई से काम सीखा हुआ है। ये शेख के कौन से शेख हैं उनके पास ही काम करता रहा है। हाँ शेख जलालुद्दीन, ये उसके बड़े भाई हैं। ये देखें ये इसके बड़े भाई हैं, वो देखें दो वो नजूमे फेर है। वो देखें ये देखें बाबा जी सियालकोट माशाल्लाह जनाब सोने हो गए। ये देखें जी ताजी खोकर का राइट हैंड। नहीं नहीं तुसी हूं उठे जा रहे हो सर। कटिंग हाथ हो गया माशाल्लाह, प्यारे हो गए। अब तो बस अब घर की तरफ जा रहे हैं, जाके शॉवर वगैरह लेंगे, फ्रेश होंगे तो फिर इंशाल्लाह। कमेंट में बताइए प्यारा लग रहा है कि नहीं। कटिंग चेक करें और बच्चे डर जाएंगे पूरा ब्रिटिश का। जी ब्लॉग एंड करते हैं आप, ठीक है। लो सर आप खुश हो आप फिर वही बात अल्लाह हाफिज़।